सो गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में देखें किस तरह से हम पैनकेक स्वैप का यूज करके चमटाक्स टोकन JMPT को BNB के अंदर किस तरह से स्वैप कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था उसके ऊपर बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि आप पैनकेक स्वैप के ऊपर वीडियो बनाइए, पैनकेक स्वैप का यूज करके दिखाइए किस तरह से हमें यूज करना है, किस तरह से वॉलेट को कनेक्ट करना है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं किस तरह से हम पैनकेक स्वैप का यूज करके JMPT टोकन को BNB के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो पहले चलते हैं हमारे क्रोम ब्राउजर के ऊपर। सो यहाँ पे मेरा क्रोम ब्राउजर ओपन है। यहाँ पे आप मेरा मेटामास्क अकाउंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे मेटामास्क अकाउंट में अराउंड 0.0017 BNB है, जिसकी एस्टिमेटेड प्राइस होती है 53 रुपीज के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे 53.58 है। एंड वही देखा जाए तो मैं आपको BNB की बता रहा हूँ। मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया कि आप बिना BNB के किसी भी कॉइन को BNB के अंदर स्वैप नहीं कर सकते, या तो किसी और कॉइन के अंदर स्वैप नहीं कर सकते। तो आपको अपने अकाउंट में BNB ट्रांसफर करनी पड़ेगी। ट्रांसफर किस तरह से करनी है, अगर आपने अभी तक पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके उसे देख लेना। उसकी लिंक आप कार्ड में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके उसे देख सकते हैं। नाउ अभी जमटास की वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अराउंड 0.005399 जम टोकन है, जिसके एस्टिमेटेड प्राइस है $0.11। सो फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा हनी गेन से अराउंड 0.77891 JMPT यहाँ पे मेरा कलेक्ट हुआ है, जिसके एस्टिमेटेड प्राइस है $1.61। इसे मैं फटाफट से पहले अपने वॉलेट में ट्रांसफर करता हूँ और इसी जम टोकन को हम फिर पैनकेक स्वैप का यूज करके BNB के अंदर स्वैप करेंगे। फटाफट से मैं यहाँ पे ट्रांसफर टू माई वॉलेट पर क्लिक करता हूँ एंड कुछ सेकंड्स बाद ये जो है मेरे वॉलेट बैलेंस के अंदर क्रेडिट हो जाएगा। सो अराउंड 15 सेकंड्स के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.77891 JMPT यहाँ पे क्रेडिट हो चुका है। नाउ मेरे वॉलेट के एस्टिमेट प्राइस है वो है $1.63। अब हम इसे स्वैप करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले पैनकेक स्वैप की वेबसाइट को ओपन करना है। तो फटाफट से पैनकेक स्वैप यहाँ पर टाइप कर लेंगे। ना फर्स्ट टाइम आपको वेबसाइट कुछ इस तरह दिखेगी। आप यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिखेगा। सो सिंपली आपको यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है एंड यहाँ से वॉलेट चूज करना है। जैसे वॉलेट चूज करेंगे आपको मेटामास्क के ऊपर एक पॉपअप जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको एक पॉपअप दिखेगा। फिलहाल मैंने कनेक्ट कर चुका हूँ तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे आपको पॉपअप दिखेगा। आपको वहाँ पे कनेक्ट पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपका जो पैनकेक स्वैप है वो आपके मेटामास्क अकाउंट से लिंक हो जाएगा। नाउ हमें यहाँ पे सिंपली यहाँ पे केक की जगह यहाँ पे JMPT को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सिंपली आप सर्च कर लेंगे JMPT, तो आपका JMPT टोकन यहाँ पे आपको लिस्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, ये एरो के ऊपर। एरो पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जम टोकन ऊपर आ चुका है। एंड किस जम टोकन से किसमें स्वैप करना है, हमें BNB में स्वैप करना है। हमारा BNB नीचे लिस्ट हो चुका है। आप यहाँ पे हमारा जम टोकन का बैलेंस भी देख सकते हैं 0.789516 एंड हमारे BNB के वॉलेट में था BNB अवेलेबल है। ना हम यहाँ पे मैक्स पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें पूरा स्वैप करना है। सो हम मैक्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीस अराउंड जो है 0.003942 JMPT है। जैसे यहाँ से कॉपी करेंगे एंड मैं यहाँ पे आपको प्राइस दिखा देता हूँ कितना लिक्विडिटी की प्राइस फीस लगेगा। मैंने इसके पहले आपको मेटामास वॉलेट के अंदर बताया था, लेकिन मेटामास वॉलेट में हमें ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस या कैश फीस देनी पड़ती है। मेरे हिसाब से अभी के टाइम पे फिलहाल पैनकेक स्वैप ज़्यादा ईजी है एंड ज़्यादा सस्ता भी है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 0.62 यहाँ पे हमें लिक्विडिटी फीस देनी पड़ेगी। स्वैप टॉलरेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5% है, मतलब अगर 0.5% से प्राइस गिरेगी तो जो ट्रांजेक्शन है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। ना यहाँ पे हम स्वैप पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस अपडेटेड एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मिनिमम रिसीव्ड में इतने अमाउंट का BNB हमारे वॉलेट के अंदर क्रेडिट होगा। लिक्विडिटी प्रोवाइडर फीस भी रहेगी। सो यहाँ पे टाइम टू टाइम प्राइस अपडेट होते रहता है। सो यहाँ पे हम सिंपली अगेन एक्सेप्ट करेंगे, कंफर्म स्वैप पे क्लिक करेंगे। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक मेटामास्क पॉपअप आ चुका है। ना यहाँ पे आप देख सकते हैं एस्टिमेटेड गैस फी, तो एस्टिमेट गैस फी लगेगी हमें 0.001 BNB। हम इसका प्राइस चेक कर लेते हैं, अराउंड 38 रुपीज का BNB हमको यहाँ पे गैस फी देनी पड़ेगी। सो विच इज क्वाइट ओके। ना यहाँ से हम नीचे स्क्रोल करेंगे, यहाँ से हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सबमिटेड एंड जो ट्रांजेक्शन है वो कंफर्म हो चुका है। नाउ यहाँ से हम क्लोज पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो जेम टोकन है वो 0 हो चुका है एंड हमारा जो BNB है वो बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अराउंड 0.0047896 BNB हमारे वॉलेट के अंदर क्रेडिट हो चुका है। ना इसे किस तरह से आपको बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है उसके ऊपर मैंने ये वीडियो बना चुका है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं थंबनेल एंड इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड यहाँ पे अपर साइड में मैं कार्ड पे भी दे दूंगा। सो वहाँ से भी आप
से चेकआउट कर सकते हैं। नाउ यहाँ से हम सिंपली से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं एंड मेटामास्क वॉलेट के अंदर जाते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो BNB है वो क्रेडिट हो चुका है। सो गाइस एट द एंड आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, किस तरह से आप इसी BNB को अपने बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉफिटेबली कन्वर्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो उसके लिए आपको कॉइन DCX वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। सो होप सो गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो में, टिल देन बाय बाय।